अयोध्या मसले पर जब विवाद का अंत हुआ राम मंदिर को लेकर के, उसके बाद राम मंदिर कैसा होगा, किस तरह का बनेगा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि अयोध्या में जिस तरह के मॉडल सामने आए थे, लेकिन जो फाइनल मॉडल होगा, जो मंदिर होगा, वो किस तरीके का होगा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि मंदिर का निर्माण हिंदू समाज करेगा, भारत सरकार उनसे मंदिर का मास्टर प्लान ले, उनके पास है। बीएचपी का कहना है कि मंदिर निर्माण का काम आधा हो चुका है और जल्द भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि 1992 में मारे गए कार सेवकों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी याद में स्मारक भी बनवाया जाए। बीएचपी ने मंदिर के लिए संकल्प करने वाले सभी का धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि जिन्होंने भी संकल्प लेकर त्याग किया, अब उसे छोड़कर सामान्य जीवन जिए। यानी कि सीधे तौर पर जो दो बड़ी बातें विश्व हिंदू परिषद ने की हैं, वो ये है कि जो मॉडल है वो सरकार ले, यानी कि जब ट्रस्ट बनेगा तो ये मॉडल देखेगा। और ये भी कहा है कि जो पहले फ्लोर का काम है शिलाओं का, वो लगभग पूरा हो चुका है और कार सेवकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। तो विकास कर सकती है सरकार, लेकिन मंदिर का निर्माण तो हिंदू समाज का है, हिंदू समाज का ही है, हिंदू समाज करेगा, हिंदू समाज ही। जैसे उस समय हमने 125 रुपया लेकर के 8 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उससे उस मॉडल के आधार पर ये शिलाएं हमने तराशने का काम शुरू किया था। लेकिन अब तक तो कितना लग गया आप कल्पना करिए, एक एक पैसे पाई का हिसाब है प्रतिवर्ष उसका, और सरकार को बजट जाता है। मैंने तो एक बार एक को यहाँ तक कहा, मैंने कहा भाई इनकम टैक्स वाले देखा ना, मारे ना छापा, तो उनसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसा हिसाब किताब रखा जाता है। यह मॉडल आग्रह के साथ, वही मॉडल जिसके आधार पर तराशे गए पत्थर, यह पत्थर उस मंदिर में तराशे हुए, उसी मॉडल पर यह मंदिर बने। ट्रस्ट कौन होगा, किसको रखेंगे, श्री राम जन्मभूमि न्यास को प्रतिनिधित्व देंगे कि नहीं देंगे, श्री विश्व हिंदू परिषद को प्रतिनिधित्व देंगे कि नहीं देंगे, इस विषय में अभी हम कुछ नहीं जानते। कोर्ट का निर्णय आया है निर्मोही अखाड़े को प्रतिनिधित्व देने का, तो एक भारत सरकार का दायित्व बनता है। ऐसी स्थिति में वह सब विषय जब चर्चा में कहीं आएंगे तब फिर हम जरूर इस विषय को आग्रहपूर्वक करेंगे। इस समय राज्यमंत्री प्रताप षडंगी जी, इन्होंने चप्पल छोड़ दी थी, दाढ़ी बनाना छोड़ दिया था, ऐसे अनेक मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे बहन भाई हैं, उन सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह भी अब सामान्य जीवन में आए और रामलला के इस निर्माण के कार्य में मनोभाव से पूरी तरह से आगे भी सक्रिय होकर के सेवा दें, और जिसने जो जो छोड़ा है उसको पूर्ववत अपने प्रारंभ करें अपनी दिनचर्या में व्यवस्थित रूप से। ऐसा उन सब को भी मैं आप सब के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं। तो आप सुन रहे थे वीएचपी को। वीएचपी का कहना है कि कार सेवकों के लिए एक स्मारक बने, वीएचपी का कहना है कि उनके पास मास्टर प्लान तैयार है और हिंदू समाज मंदिर बनाएगा। लेकिन इस मास्टर प्लान में है क्या, किन किन चीजों का खासतौर पर ध्यान रखा गया है, हमारी सहयोगी ज्योत्सना बता रही है। अयोध्या जमीन विवाद पर सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक बेंच ने जो 9 नवंबर को फैसला सुनाया, उसका वीएचपी ने स्वागत किया है। वीएचपी का साफ कहना है कि 1528 से जो विवाद चला आ रहा था उसका पटाक्षेप हुआ है, अब हम चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, वही पत्थर इस्तेमाल किए जाएं जिनको तराशा जा रहा है बरसों से, और 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद बनाने के लिए दी जानी है वो अयोध्या की सांस्कृतिक भूमि से बाहर होनी चाहिए। साथ ही वीएचपी का ये भी कहना है कि बरसों से जिन साधु संतों ने कार सेवकों ने संकल्प लिया हुआ था मंदिर निर्माण तक, वो नंगे पैर रहेंगे, वो अनशन पर रहेंगे, वो लोग अब अपने सामान्य जीवन की ओर वापसी करें।